इमरान खान की रिहाई के विरोध में पाकिस्तान में प्रदर्शन एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। सरकार में शामिल दल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लगातार विरोध भी कर रहे हैं, खास करके पीएलएमएन के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान महिलाएं भी सड़कों पर नजर आई नारेबाजी करती हुई दिखी। और तीन तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, पीएमएलएन का किस तरीके से जबरदस्त प्रदर्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए, ये तस्वीर देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर, इमरान खान को आपको याद होगा रिहा किया था, बस उसी के बाद से ये जो विरोध है वो तेज होता चला गया। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तीनों तस्वीरें में ठीक एक जैसे हालात। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर 13 राजनीतिक दल इस वक्त धरना दे रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान को रिहा करने के लिए दिए फैसले से नाराजगी जाहिर कर रहा है और इस धरने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता मरियम नवाज भी शामिल होंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। इमरान खान की रिहाई के आदेश के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इमरान के विरोधियों के निशाने पर आ चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट परिसर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हजारों की संख्या में समर्थक हैं। इमरान खान की रिहाई पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई पार्टियां, धरना प्रदर्शन पर उतरे पीडीएम नेता। इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ रहा है। 3 दिनों तक हुई जमकर तोड़फोड़ से पाकिस्तान के हालात बिगड़ गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि वहां कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। यह हालात और बिगड़े तो मार्शल लॉ तक लगाया जा सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के खिलाफ कई पार्टियां उतर गई हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि 13 पार्टियां इमरान खान की रिहाई का विरोध कर रही हैं और अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में पीएमएल यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता भी शामिल हैं। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को इमरान खान को रिहा किया था। इस दौरान एससी ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताया, जिसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ऐलान किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर जो तेवर दिखाए हैं वो जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। एक तरह से पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब सेना और सरकार दोनों की जबरदस्त हार हुई है, जबकि इस अदालती लड़ाई में इमरान जीत गए हैं। तभी तो जिस पठान को इस्लामाबाद में हाई कोर्ट से घसीट कर ले जाया गया था उसी शहर में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से वो आंखों पर काला चश्मा लगाए मुस्कुराते हुए निकले। इमरान की रिहाई के बाद उनके समर्थक सड़कों पर झूमते दिखे तो वहीं इमरान कार्यकर्ता के जश्न को देखकर शहबाज सरकार की त्योरियां चढ़ गईं और सीने पर सांप लौटने लगे। यहीं से सारा खेल शुरू हुआ, मतलब वहां की सरकार ने इसे नाक का सवाल बना दिया। उसे लग रहा है कि सेना के साथ खड़े होने के बाद भी भारी बेइज्जती हो गई, लिहाजा शहबाज सरकार ने तुरंत धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया और पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही आंख दिखा दी। जिस शख्स ने इन मुसल्ला जत्थों को लॉन्च किया, जो इसकी क्यादत कर रहा है वो दहशतगर्द, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और इस मुजरिम को इंसाफ मिलेगा तो फिर उन पाकिस्तान की आवाम को, उन पुलिस एहलकार को जो हिफाजत की खातिर अपने सर फड़वाते हैं, जख्मी होते हैं, हलाक होते हैं, उन फौजी अफसरान को जो मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर, सरहदों की खातिर, आवाम की खातिर बंदूक उठाते हैं, उसके खिलाफ जो बंदूक उठा के आज खड़ा है, अगर उसको रिलीफ मिलेगा तो इस ये मुल्क सिर्फ जलेगा और कुछ नहीं। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब का एक एक शब्द इस बात की गवाही दे रहा है कि इमरान तो छोड़िए, पाकिस्तान के लिए अभी मामला ठंडा नहीं पड़ने वाला है, मतलब अभी वहां की सियासत में असली तूफान और मुल्क में जबरदस्त भूचाल आने वाला है। गृह युद्ध की आग में तो वो पहले से झुलस रहे हैं, लेकिन इस बार खुली धमकी सीधे सरकार और उसकी समर्थित पार्टियों की ओर से आई है। इसीलिए ये भी हो सकता है कि ऐसा कहर बरपे
जिसका किसी को अंदाजा भी ना हो। इसीलिए इन अटकलों को हवा मिल रही है कि पाकिस्तान में पिक्चर अभी बाकी है।